हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पाई की पीयूष। दोस्तों, आज कुछ बात करते हैं कुकिंग के रिलेटेड। बहुत ही एक इजी और बहुत एक अच्छी रेसिपी है। हम होटल्स वगैरह जाते हैं तो हम ऑर्डर करते हैं लच्छा पराठा। तो लच्छा पराठा खाने में बहुत बढ़िया होता है, उसकी जो लेयर्स होती हैं वो बहुत ही बढ़िया होती हैं और खाने में बहुत मज़ा आता है। अलग अलग वो जब उतरती हैं खाने के वक्त तो बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं तो नहीं बनाता, वो मेरी वाइफ बनाती हैं। निधि, आपने काफ़ी वीडियोस में मेरा पिछली वीडियोस में देखा होगा, तो निधि बहुत ही बढ़िया लच्छा पराठा बनाती है। तो उसी की रेसिपी एक है ये जो हम आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया रेसिपी है, बहुत ईजी है और खाने में बहुत अच्छा लगता है और बच्चे भी बहुत इंजॉय करके खाते हैं ये। तो शुरू करते हैं गाइज। सो गाइज, लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे आटा और गूंदा हुआ आटे की एक अच्छी सी बड़ी पेड़ी ले लेंगे, जैसे हम परौठा या पराठा बनाते रहते हैं। और उसको हम नॉर्मल अपना एक तरह से स्प्रेड आउट करके गोल बना लेंगे, जैसे हम किसी भी आम पराठे या रोटी को बनाते हैं, राइट। तो ये अच्छे से फैला के इसको जितना बड़ा हो सके वो करके इसको हम फिर इसमें लच्छा जो है वो करेंगे। वो आपको क्लियरली विजिबल होगा इस पराठे में, बहुत ही बढ़िया पराठा बनता है। तो इसको हम एक बार ऑयल लगा लेते हैं और जिससे कि वो जो लच्छा है वो प्रॉपरली विजिबल हो और आपको दिखे कि कितना बढ़िया से ये लच्छा पराठा कितनी आसानी से बन जाता है। तो हम इसको बीच में से ऐसे फाड़ के, आप देखिए कि इसको हम थोड़ा सा राउंड करके इसमें दोबारा से ऑयलिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो लच्छा जो है वो नज़र आए और वो खाने में अलग क्रिस्पीनेस और मज़ा आए। तो हमने ये पूरा इसको ऐसे फैला लिया है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, बट बहुत बढ़िया रेसिपी बनती है। इसको हम ऐसे खोल देते हैं तो अब ये लंबी एक लाइन बन गई। अब इसको हम फोल्ड करना शुरू कर देंगे, इसको रोल कर देंगे, राइट। और बहुत आसानी से ये ऐसे रोल हो जाता है और रोल करने के बाद ये एक तरह से दोबारा से पेड़ा बन गया। तो इसको हम हल्का सा नॉर्मली प्रेस करके इसको हम दोबारा से बेलेंगे और दोबारा से इसको गोल करेंगे हम, जैसे एक नॉर्मल हम अभी हमने किया था और किसी भी पराठे को करते हैं उसी तरह से। तो ये हमने इसको दोबारा से फैला के अच्छी तरह से हमने एक पराठा तैयार कर लिया। आपको लग रहा होगा इसमें कुछ नहीं है, ये तो बड़ा नॉर्मल पराठा है और मज़ा नहीं आएगा, बट आप देखिए। तो इसको हम जैसे अपना नॉर्मली हम पराठा बनाते हैं उसको गैस पे तवा गरम करके इसको सेक लेते हैं और बिल्कुल साधारण जैसे पराठा बनाते हैं वैसे ही बनाना है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब बिल्कुल इसको थोड़ा सा हमने 15-20 सेकंड इसको सेट करने के लिए रख दिया है और एक बार ये हो जाता है तो इसको हम पलट देंगे। तो देखिए ये सिकना शुरू हो गया है और इसको हम हल्का सा यहाँ पर घी या तेल जो भी हमने लगाना है वो इसको हम अब लगाएंगे। देखिए बिल्कुल हम नॉर्मली जैसे लगाते हैं, तो ये हमने घी का एक इसको घी में सेकने के लिए अच्छे से लगा दिया। दूसरी साइड भी हम सेम इसको प्रॉपरली हम घी लगा देंगे। देखिए बढ़िया से ये सेक रहा है और बहुत जल्दी अब हमारा नॉर्मल तैयार होने वाला है। इसको पलट लेते हैं, अच्छे से पराठे को सेक लेते हैं क्योंकि कच्चा तो मज़ा नहीं आता। अच्छे से सिका हुआ पराठा क्रिस्पीनेस पराठे में आ जाए तो उससे बढ़िया और क्या चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट हमारा अब बन गया है, इसको देख लेते हैं एक बार पलट के। बिल्कुल जितना हमें चाहिए सिका हुआ वो बिल्कुल ये सिक गया है अब। और देखिए लेयर्स जो हैं आपको क्लियरली विजिबल है। तो अभी इसको आपको प्रॉपर जो लेयर्स हैं वो अभी इसको हम जब डालेंगे सर्व करने के लिए तब आप देखिएगा इसको कैसे आपको प्रॉपरली लच्छा दिखता है। तो ये हमारा पराठा ऑलमोस्ट डन और इसको हम कर लेते हैं प्लेट। तो यहाँ हमने इसको प्लेट कर लिया है, ये पराठा हमारा तैयार है। इस पर हल्का सा हम घी लगा देंगे, बटर लगा देंगे, जो भी हमने लगाना है, और इसको ऐसे हम एक बार मुचड़ देंगे। और देखिए ये जितनी लेयर्स हैं वो सारी हमें दिख रही हैं, इसको खा के देखिएगा, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। हे गाइस, सो होप आपको ये लच्छा पराठा की इजी और छोटी सी रेसिपी
बहुत बढ़िया लगी होगी, आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान होता है बनाना, लगता है हमें कि बहुत मुश्किल है। हाँ, टाइम टेकिंग थोड़ा सा लगता है, रोटी के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में, बट इट इज़ रियली नाइस, इट टेस्ट रियली गुड। तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और बच्चे भी बहुत मज़े करके खाते हैं, तो वाई नॉट ट्राई इट होम। बाहर से हम इतना 80-100 रुपये, 40 रुपये, पता नहीं कितने पैसे देते हैं, आप घर पे ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया बनेगा एंड यू वुड लव इट। कुछ भी अगर कमेंट है, अगर आपको कुछ भी सजेशन देना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए मुझे, या आपको कैसी लगी रेसिपी, या आप मुझे कुछ और अपनी रेसिपी शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू शेयर दैट विद मी एज वेल। आई शुड ऑल्सो यू नो ट्राई एंड इम्प्रूव ऑन ईच एंड एवरीथिंग डे बाई डे। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। आप इसको शेयर करना चाहें वीडियो को, तो भी आप शेयर कर सकते हैं, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, दैट वुड हेल्प मी एंड सपोर्ट माई चैनल टू ग्रो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।